नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर और आज के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का रेड पर और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको हम देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देवी अहिल्या बाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। हाल ही में चर्चा में रहा था, यहाँ पर 3 फ्लाइटें जो है शुरू की गई है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, देवी अहिल्या बाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदौर में स्थित है। वहीं हम बात करें राजा भोज हवाई अड्डा, ये भोपाल में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। खजुराहो में हवाई अड्डा है, जबलपुर में है और ग्वालियर में है, तो इन सभी हवाई अड्डों को आपको याद रखना है, खासकर जिनका, देखिए देवी अहिल्या बाई जो कि इंदौर में है और राजा भोज, इन दोनों के जो है काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, न्यूयॉर्क, मनाली, ल्यूसाने या बात की जाए कतर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूसाने। ल्यूसाने में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। यह क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में आपको पूछा गया था, तो याद रखना है। अगले बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? तो थॉमस बॉक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के, जो कहां पर हुए थे, जापान में हुए थे, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है, जिसका शुभंकर था मिराई तोबा। वहीं हम बात करें टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? तो एमसी मैरीकॉम थी और बात की जाए मनप्रीत सिंह। और समापन में आपसे पूछ लिया जाता है कि समापन में टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पुनिया थे। ठीक है, याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में जो है वो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज जीते गए थे। टोटल देखा जाए तो 7 जो है मेडल जीते गए थे भारत द्वारा। भारत का स्थान जो रहा था वो 48वां रहा था, जिसमें बात की जाए गोल्ड जो है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं और 7 अगस्त को जो है वो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं हम बात करें मैरी कॉम, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। मनप्रीत सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। बजरंग पुरिया जो है ये रेसलर हैं, ठीक है, रेसलर से संबंधित है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्न में से किसे अर्थ हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या बात की जाए वन विहार नेशनल पार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये होशंगाबाद में है, याद रखना है, इसे ही जो है बात की जाए तो अर्थ हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। और मगई के जंगल जो पाए जाते हैं वो दरअसल यहीं पर पाए जाते हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क में, तो इसे भी आपको याद रखना है। ओके, वन विहार की बात की जाए तो ये भोपाल में है, कान्हा की बात की जाए तो ये मंडला में है, और बात की जाए पन्ना की तो ये पन्ना में है, तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है वो कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो कि कान्हा नेशनल पार्क है। आगे हम बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? नर्मदा नदी, कांगो नदी, माही नदी या बात की जाए लिम्पोपो नदी? तो कर्क रेखा को काट रही है। वहीं हम बात करें, देखिए अगर हम इंडिया के मैप की हम बात करें तो ये कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में जो है काटती हुई जाती है, और यह जो है वो माही नदी जो है वो माही नदी जो है 2 बार काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटता है? तो मकर रेखा को आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है मकर रेखा को जो है वो लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को काटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को जो है वो कांगो नदी काटती है 2 बार, तो याद रखना है ये हो जाएगा भू मध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, कर्क रेखा को माही नदी और बात की जाए लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से, ओजोन परत संरक्षण से, सागरीय धाराओं से या इनमें से कोई नहीं? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह कनाडा में है, मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में है, और वहाँ पर जो है वो ओजोन परत संरक्षण से जो है ये प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, तो याद रखना है। एक पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हो गया ये ओजोन परत से संबंधित है।
और जो उनकी बात की जाए तो ओज की जो है इसका फॉर्मूला होता है, और वहीं हम बात करें तो ये है हमारे वातावरण या एनवायरमेंट में कौन सी जो लेयर में उपस्थित होती है, तो ये होती है बात की जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में जो है ये स्थित होती है ओजोन परत। तो याद रखना है जो कि हमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से जो है बचाती है, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे हमें जो है संरक्षण करती है ओजोन परत। इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो ओज की आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देश का पहला बायोमास गैसीय फायर कहाँ स्थित किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, बैतूल, इंदौर या रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैतूल। बैतूल में जो है वो देश का पहला बायोमास गैसीय फायर स्थापित किया गया था, और आपको पता हो तो बैतूल में जो है ग्रेफाइट पाया जाता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला है जहाँ पर बात की जाए तो बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखिए आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा बड़ा हाई स्पीड ट्रैकिंग साइट ये कहाँ पर है? तो ये इंदौर के पीथमपुर में जो है ये बनाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। और अक्टूबर माह से जो इम्पोर्टेंट दिवस है, जैसे कि बात की जाए 8 अक्टूबर को जो है वो वायु सेना दिवस मनाया जाता है, या बात की जाए नौ सेना दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को जो है वो डाक दिवस मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और बात की जाए तो 16 अक्टूबर को जो है वो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है जो कि 1945 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन, और 31 अक्टूबर को जो है वो यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर है, और आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को जो है वो 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस, जबकि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इन सभी को आपको याद रखना है अक्टूबर माह से इम्पोर्टेंट दिवस। आगे बात करें तो संभव जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है यहाँ पर आवास एवं शहरी मंत्रालय, ऑप्शन बी है यहाँ पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन सी है यहाँ पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय, या बात की जाए डी है इनमें से कोई नहीं। तो संभव जागरूकता योजना जो है यह सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग के द्वारा जो है शुरू किया गया, और यह दरअसल जो है किससे संबंधित है? तो ये घरेलू उद्योगों से संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है, आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए जो है संभव जागरूकता योजना कार्यक्रम शुरू किया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पीर बुधन का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? अगस्त, अक्टूबर, जनवरी या जुलाई में? तो ये दरअसल जो है पीर बुधन का मेला दरअसल जो है अगस्त और सितंबर माह के आयोजित किया जाता है, और ये कहाँ पर होता है? ये होता है शिवपुरी में। तो याद रखना है शिवपुरी में जो है वो पीर बुधन का मेला लगता है अगस्त और सितंबर माह में। नागाजी का मेला आपसे पूछ लिया जाता है, तो नागाजी का मेला जो है ये मुरैना में आयोजित किया जाता है। वहीं हम बात करें जोगेश्वरी का मेला जो है वो अशोक अशोक नगर में जो है आयोजित किया जाता है, और वहीं बात करें तो मठ घाघरा का मेला जो है ये है सिवनी में देखने को मिलता है। ओके, सिवनी में देखने को मिलता है, और बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर में देखने को मिलता है, नरसिंहगढ़ में, ठीक है, नरसिंहगढ़ में देखने को मिलता है। यह है MPSI में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तेजा जी का मेला की बात की जाए तो ये गुना में देखने को मिलता है, तेजा जी का मेला गुना में लगता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट मेले हैं वो आपको याद रखना है, जैसे कि बात की जाए हीरामन बाबा का मेला, हीरामन बाबा का मेला जो है ये लगता है ग्वालियर जिले में, ग्वालियर जिले में लगता है। वहीं हम बात करें ग्वालियर में आपको तानसेन समारोह देखा जाता है, तो ये भी ग्वालियर में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, धोलावीरा साइट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा में? धोलावीरा साइट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा लीजिए आप इस पे। यह है दरअसल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस पेरिस में है, याद रखना है, और यह दरअसल जो है वो गुजरात में स्थित है धोलावीरा साइट। ओके, गुजरात में स्थित है, इंपोर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। और यूनेस्को की बात की जाए, देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें खजुराहो, दूसरी बात की जाए तो सांची के स्तूप, और तीसरी बात की जाए तो भीम बेटका,
इसको 1986 में शामिल किया गया था, इसको 1989 में और इसको 2003 में जो है शामिल किया गया था। अभी दो अस्थायी शहरों को भी जो है पर्यटन की दृष्टि से यूनेस्को में शामिल किया गया, कौन कौन से? ओरछा और बाकी जय ग्वालियर, तो इनको भी आपको याद रखना है। और खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ये भी जो है मध्य प्रदेश की तीन साइट हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये खजुराहो जो है ये छतरपुर में पड़ता है। वहीं हम बात करें सांची और भीमबेटका जो है ये है रायसेन जिले में पड़ता है। भीमबेटका में आपको याद रखना है डिकन सोनिया नाम के जीवाश्म पाए गए थे भीमबेटका में, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ पर जो चीजें दी है कि सबसे बड़ी तट रेखा जो है किस राज्य की है, तो गुजरात की है, याद रखना है। वहीं बात करें तो गुजरात मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर है भारत में। कांडला पोर्ट जो है ये भी गुजरात में है, जो कि इसका नाम बदल कर दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। गरबा नृत्य हो गया, डांडिया हो गया, ये सब जो है गुजरात के नृत्य हैं। वही बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति है, जिसे हम यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है और ये भी जो है वो गुजरात में स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? आम उड़ान 2.0, सहायता उड़ान 2.0, या बात की जाए कृषि उड़ान 2.0, या उर्वरक उड़ान 2.0, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि उड़ान 2.0। ये दरअसल जो है वो किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री अभी आपको पता हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इसके मंत्री हैं। बात की जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो इनके द्वारा जो है वो कृषि उड़ान 2.0 शुरू की गई, जो कि किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।